वैसे आज चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी सी राहत दे दी है। चुनाव प्रचार को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के बाद चुनावी राज्यों में हो रहे प्रचार में अब थोड़ी रौनक दिखेगी। कोरोना की वजह से चुनावी रैलियां, रोड शो, इन पर अभी भी ब्रेक लगा रहेगा, लेकिन जनसभाओं के लिए चुनाव आयोग ने लोगों के शामिल होने की संख्या को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब ये संख्या करीब करीब दोगुनी कर दी गई है। और नियमों में चुनाव आयोग ने क्या क्या बदलाव किया है इसकी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता अपनी रिपोर्ट में। चुनावों के वक्त राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ होती है तो वो है जनता से संवाद की, यानी रैलियां, रोड शो, बड़ी बड़ी जनसभाएं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए नेता दिन रात एक किए रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत सीमित हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगाई हुई है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने थोड़ी सी ढिलाई बरती है। रोड शो, रैलियां, साइकिल यात्रा और पद यात्रा पर रोक जारी रहेगी। खुले स्थानों पर होने वाली जनसभा में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में अब 20 लोग एक साथ जा सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में सुरक्षा कर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी। बंद जगह पर होने वाली बैठकों में अब 500 लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस आदेश का मतलब ये भी है कि अब सही मायने में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पिछले आदेश के मुताबिक तो सिर्फ 2 चरणों के लिए ही छोटी जनसभाओं की अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिकतम 500 लोग ही हो सकते थे। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज के आदेश में छोटी जनसभाओं की अधिकतम 1000 लोगों के साथ अनुमति दे दी है, और वो भी सभी चरणों के लिए, जिसका मतलब साफ है कि अब राजनीतिक दल और प्रत्याशी ज्यादा जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त जरूर है कि वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। हालांकि अब कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी छोटी जनसभाओं में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन खूब हो रहा है और अब तो भीड़ 1000 लोगों की होने वाली है। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम इलेक्शन कमीशन का। लोग मीटिंग अब करेंगे तो अपनी अपनी बात भी लोग रख सकते हैं, और पिछली सरकार और हमारी सरकार में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये भी हम जनता को बता सकते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन का हम स्वागत करते हैं। कोरोना की वजह से सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में लाखों की संख्या में लोग एक बार फिर इससे बीमार हो गए हैं। राहत की बात यही कि अभी ये इतना खतरनाक नहीं दिख रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि कब ये वायरस बेहद जानलेवा हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसीलिए भीड़ में कमी बेहद जरूरी है। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।